एक बूढ़े भिखारी की अनोखी कहानी। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद अधिकारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान भगवान तुम्हारे पापा को माफ़ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गए, भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ, शेर का मन शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता, सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ़ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आदिवासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला। और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सब ने गालियाँ दी और एक नए पत्थर भी फेंकना, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा, हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दिया करते, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाए। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा देगा, भगवान तुम्हें पापों की सज़ा ज़रूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी ज़िंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका पाप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसी ज़िंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते हैं कि कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांटकर खाई और भगवान को धन्यवाद कर सो गए। अगले दिन बड़ा भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते ही सेठ ने पहले से गर्म रोटी या उसके लिए निकाल कर रखी थी, उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वह बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में भी बुरा कहे या भला कहे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ जब भगवान नहीं दिखता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सबका हिसाब बहुत बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।